कैसे हैं दोस्तों? ठीक हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। कंपटीशन का टाइम है और पढ़ाई का भी एक अच्छा माहौल बना हुआ है। धीरे धीरे सारे शैक्षणिक संस्थान भी ओपन हो जाएंगे, उम्मीद है 15 अगस्त के बाद सारे शैक्षणिक संस्थान ओपन हो रहे हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को और प्रॉपर वे में ले आइए, एग्ज़ाम्स जो आपके सामने हैं उसको पास आउट करिए और आगे वाले भी एग्ज़ाम्स के लिए रणनीति बनाइए। ठीक है, आइए देखते हैं अपने आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है, अच्छा है और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जब मेंस लिखेंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। आज का जो टॉपिक है वो लोकपाल और लोकायुक्त को लेकर के है। ये एक टॉपिक, अगर इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ये ऐसा मुद्दा रहा है भारत के लिए कि जिसने सरकारें बना दी, एक नई राजनीतिक पार्टी को जन्म दे दिया और शासन संचालन लोग कर रहे हैं इस आंदोलन, मतलब लोकपाल आंदोलन को लेकर के जो लोग संघर्षरत थे, उन लोगों में से कुछ एक लोग आज सरकारों में भी शामिल हैं, आज उनकी सरकारें भी हैं। आप लोगों को ध्यान आ गया होगा, अन्ना हजारे महोदय का याद आए होगी आप लोगों को। बहुत ज़्यादा आमरण अनशन, बड़ा संघर्ष किया था अन्ना साहब ने और उनके साथ देने वाले थे किरण बेदी जी थी और इस समय केजरीवाल साहब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आपके, ऐसे कुछ बड़े चेहरे जो कि उनके साथ अन्ना जी के साथ में आमरण अनशन पे उनके सहयोगी थे। और उन अन्ना जी का जो अनशन था वो लोकपाल लोकायुक्त को लेकर के ही था, मतलब मूल रूप से भारत में लोकपाल की नियुक्ति को लेकर के ही उनका आंदोलन बड़े पैमाने पर रहा है। और इस आंदोलन का परिणाम ये रहा कि भारत सरकार ने इसको लागू किया। इनके विषय में भी हम लोग देखेंगे कि कब कब क्या हुआ। 2013 में ये अधिनियम संसद से पारित हुआ, फिर उसके बाद उसमें सुधार हुआ 2016 में, फाइनली 2016 में ये जो कानून बन करके कंप्लीट हुआ उसके आधार पर आज ये भारतवर्ष में लागू है। तो वास्तव में इतना ज़्यादा संघर्ष क्यों करना पड़ा या इसकी पृष्ठभूमि पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ये पृष्ठभूमि इसकी कहाँ से हुई है, क्या अन्ना हजारे पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इसको लेकर के हाईलाइट, मतलब इस मुद्दे को एक हवा दी एक तरह से कहिए या उठाया, या इसके पहले से भी कोई संस्था या निकाय इस रूप में था जो कि इस पर कार्य कर रहा था, इन सब विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए पहले देखते हैं थोड़ा अन्ना हजारे के बारे में। अन्ना हजारे ने खासतौर से एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की बात कही, या कहिए कि जो और राष्ट्रों में लोकपाल जैसी संस्था है वैसी ही संस्था भारत में डेवलप करने का प्रयास किया गया। और ये खास तौर से जो ये लोकायुक्त और लोकपाल का जो लोकायुक्त और लोकपाल जो हैं आपके, यानी कि आप देखेंगे तो केंद्र में आपको लोकपाल का पद होता है और राज्यों में लोकायुक्त का पद होता है। ठीक है, तो ये लोकपाल और लोकायुक्त जो हैं ये इनकी ज़रूरत क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, ये सबसे बड़ा गूढ़ विषय है। तो इनकी इम्पोर्टेंस यही है कि इनके दायरे में अगर हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री तक आते हैं, यानी कि भारत का जो सबसे शक्तिशाली पद है वह पद से लेकर के संसद के प्रत्येक सदस्य लेंगे, मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्यों को आप ले सकते हैं, ऐसे कहिए चाहे पूरा मंत्रिमंडल आप कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कह सकते हैं, उनसे लेकर के सभी तरह के जो सिविल सेवक हैं केंद्र सरकार के, तो वो तो आपके लोकपाल के दायरे में आते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे लोकायुक्त के बारे में तो लोकायुक्त के दायरे में आप मुख्यमंत्री से लेकर के उनकी मंत्रिपरिषद से लेकर के और सभी सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार के इसके दायरे में आपके आते हैं। तो यह अपने आप में एक बड़ा विषय बन जाता है, ये सभी लोग आते हैं। तो आने का क्या मतलब है कि ये जांच के दायरे में आते हैं कि क्या इन्होंने करप्शंस किए हैं या करप्शंस को रोकने वाली एक संस्था के रूप में काफ़ी शक्तिशाली संस्था का निर्माण किया गया है भारत में। और इसका जो एक मेन मकसद, जो मेन मोटिव इसका रहा है कि पारदर्शिता रहे, पद कितना भी बड़ा रहे कोई गमन ना करने पावे, जनता के जो धन है सरकार का जो कोष है उसका सही ढंग से उपयोग हो,
कहीं सरकार अपने व्यक्तिगत हितों में, अब सरकार का मीन्स है जो सरकार में उस समय पदों पर है, कहीं वो अपने हितों में ना उस धन का उपयोग तो नहीं कर रहा है, या जनता के जो धन है वो सही जगह पर, समुचित जगह पर प्रयोग में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये एक मूल मकसद रहा है। आप जानते हैं कि जो वर्तमान समय में हमारी गवर्नमेंट है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही काम कर रही है, करप्शंस ज़ीरो करने का आधार उनका बना हुआ है कि करप्शंस नहीं होंगे, तो इसी से मिलता जुलता काफ़ी हद तक है, जो कि प्रशासकों को और राजनेताओं को एक तरह से कहिए संयमित करने का प्रयास करता है करप्शंस के प्रति, कि आप संयमित रहिए अन्यथा आप लोकपाल के दायरे में आ जाएंगे और फिर आपके खिलाफ़ जाँच होगी और आप जेल की हवा भी खा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री तक का कोई व्यक्ति कुछ विशेष चीज़ों को छोड़ करके वो जब पूरी तरह से जांच के दायरे में आपके आते हैं, तो अगर वो कभी करप्शंस करते हैं तो वो भी, चाहे वो वर्तमान प्रधानमंत्री हो, ये बात ध्यान रखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि वर्तमान प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में आते हैं और जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो भी इसके दायरे में आएंगे, और सभी मंत्रियों के पद मैंने अभी आपसे जिक्र किया इसके बारे में, तो सभी आते हैं। तो ये एक तरह से कहिए कि एक करप्शन मुक्त राष्ट्र की संकल्पना है कि राष्ट्र में करप्शंस लगभग ना हो, क्योंकि डर रहेगा तो लोग करप्शंस नहीं करेंगे, तो करप्शंस नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें क्या विकास की तरफ जानेंगी। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि लोकपाल लोकायुक्त की भावना धारणा या इस तरह की व्यवस्था क्यों आई भारतवर्ष में। अब बात करते हैं कि ये वास्तव में कहाँ से डेवलप हुआ और इसकी ओरिजिन क्या है। तो आप जान लीजिए कि स्वीडन एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अपने यहाँ लोकायुक्त की नियुक्ति की, लेकिन वहाँ पर लोकायुक्त पद नहीं कहा जाता है या लोकपाल का पद वहाँ नहीं कहा जाता, ये भारत में स्पेशली यूज किया जाता है लोकपाल का पद, वहाँ पर ओम्स वुड्समैन के नाम से इसे जाना जाता है, ओम वुड्समैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये नाम बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ओम वुड्समैन के नाम से जाना जाता है, और 1809 ईस्वी में स्वीडन ने सबसे पहले जो हमारे यहाँ लोकपाल है वही वहाँ पर क्या कहा जाता है, ओम वुड्समैन के नाम से जाना जाता है। सेम वही चीज़ है, देखिए नाम अभी मैं इसके बारे में और भी जिक्र करूँगा आप लोगों से कि जगह जगह पर, मतलब मीन्स राष्ट्र राष्ट्र में, अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है, जैसे हम लोग लोकपाल जानते हैं उसी तरह से स्वीडन में जो है ओम वुड्समैन के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो चूँकि सबसे पहला राष्ट्र था स्वीडन 1809 ईस्वी में जिसने अपने यहाँ ओम वुड्समैन की स्थापना की थी, तो सभी को, जैसे हमारे यहाँ लोकपाल हैं तो लोकपाल को ओम वुड्समैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कि ओम वुड्समैन की स्थापना भारत में कब की गई, तो आप जब भारत में अभी हो रहा है 13 में इस्टेब्लिश किया गया है ना, कब किया गया, कैसे कैसे संरचना हुई इसके बारे में देखेंगे। तो आपको अगर कहता है भारत में ओम वुड्समैन कौन है वर्तमान में, अगर ऐसा कभी कोई प्रश्न आ जाता है तो आप लोकपाल समझेंगे, है ना, हालांकि ऐसा आना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा अगर कुछ आता है तो ओम वुड्समैन, चूँकि सबसे पहले अवधारणा जो डेवलप हुई स्वीडन में डेवलप हुई 1809 ईस्वी में हुई थी, इस नाते सभी को ओम वुड्समैन के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो स्थापना आपने देखा, ये सबसे पहले स्वीडन करने वाला राष्ट्र है, ठीक है। इसके बाद में जो है इसमें भारत में, इसको मैंने बताया इसे लोकपाल के नाम से जाना जाता है, यानी भारत में इसे ओम वुड्समैन को किस नाम से जाना जाता है, लोकपाल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि इससे पहले कौन कौन से राष्ट्र रहे हैं जहां पर ओम वुड्समैन की संकल्पना रही है या ऐसी कोई संस्था ऐसा निकाय रहा है ओम वुड्समैन के रूप में, ठीक है, ये सब देखिए। ओम वुड्समैन 1918 ईस्वी में फिनलैंड ने अपने राष्ट्र में, अपने देश में जो है क्या किया था, ओम वुड्समैन की स्थापना की थी, ठीक है। अब ये कंट्रीज आपको याद होने चाहिए कि कब कर रहे हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और जब आप मेंस लिखेंगे और उस पर जब ओम वुड्समैन पे टिप्पणी लिखेंगे आप, तो आपको ये तथ्य आपके पास होने चाहिए बच्चों। तो 1918 ईस्वी में फिनलैंड में, और 1954 ईस्वी में डेनमार्क ने, और 1961 ईस्वी में नॉर्वे में,
और 1967 ईस्वी में ब्रिटेन में ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई, और इसका जो मकसद था भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, अपने यहाँ करप्शंस को समाप्त करने के लिए, किसमें सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ये खासतौर से यूज में लाया गया है। अभी आप लोग देखेंगे इसके बारे में, जब हम लोग डिटेल बिंदुओं पर चलेंगे तो वहाँ देखेंगे आप कि इसमें सारे सरकारी कर्मचारी आते हैं। अभी तो ये बता दिया गया है कि प्रत्येक जो सरकारी कर्मचारी हैं वो 30 जुलाई तक 31 जुलाई तक अपनी पूरी रिपोर्ट जो है अपने आय व्यय का यानी उनकी संपत्ति का विवरण जो है प्रत्येक वर्ष जारी करेंगे। 31 मार्च के बाद जो भी वर्ष ले लें आप, 31 मार्च के बाद 31 जुलाई तक, अब इसके मध्य की जो डेज 31 मार्च के बाद अप्रैल मई और जून और जुलाई, ये 4 महीने का जो समय मिल रहा है, इस 4 महीने में अपने प्रत्येक वर्ष का वो आंकड़ा देंगे लोकपाल को, अपनी रिपोर्ट देंगे। तो आप सोचिए प्रत्येक वर्ष का रिकॉर्ड मांग रहा है ये, तो इससे क्या होगा, करप्शंस में आपका धन बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए तो एक जितनी आपकी इनकम है उसी के परिप्रेक्ष्य में बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, अगले साल आपके पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आपकी सैलरी उसके परिप्रेक्ष्य में है तब तो ठीक है, नहीं सैलरी परिप्रेक्ष्य में है तो फिर आप जाँच के दायरे में आ जाएंगे। समझ गए होंगे आप लोग। तो पूरी रिपोर्ट देता है यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना करता है, या ये जो कंट्रीज हैं ये भ्रष्टाचार मुक्त कंट्रीज के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए ये चीजें की हैं। ठीक है, तो ये तिथियां आप हमेशा याद रखिएगा भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए। इनको अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो कुछ एक के बारे में हम लोग बात कर लें। न्यूजीलैंड और डेनमार्क है, यहाँ ओम्बुड्समैन को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे संसदीय आयुक्त के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, न्यूजीलैंड और डेनमार्क में जो है ओम्बुड्समैन को किस नाम से जाना जाता है, संसदीय आयुक्त के नाम से जाना जाता है। क्लियर, चलिए ठीक है। और सोवियत संघ जो कि वर्तमान रूस है, वहाँ पर इसे क्या कहते हैं ओम्बुड्समैन को, वहाँ पर वक्ता या प्रोसिक्यूटर के नाम से, प्रोसिक्यूटर या प्रोसिक्यूटर के नाम से उनको जाना जाता है। तो ये भी एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट विषय है, इस पर भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और भारत में जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ओम्बुड्समैन को क्या, लोकपाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी कि मतलब ये यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो भारत में क्या अन्ना हजारे ही पहले शख्स हैं जिन्होंने स्ट्राइक करके और लोकपाल को लाने के लिए इस तरह से आंदोलन किया, क्या इसके पहले कोई और व्यवस्था थी कि नहीं थी? तो आप ये जान लीजिए कि 60 के दशक की शुरुआत में भारत में जो प्रशासनिक ढांचा था, चूंकि भारत आज़ाद हुआ एक तरह से कहिए 15 अगस्त 1947 को, लेकिन लागू हुआ पूरी तरह संविधान 1950 में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से जब हम क्रिया रूप में आ गए अपने, तो उसके बाद जितने भी सरकारी, चूंकि भारत एक तरह से गरीब कंट्री था उस समय जब आज़ाद हुआ था, तो उस समय क्या हर चीज़ के निर्माण में बहुत बड़े बड़े पैसे, बड़े बजट आया करते थे और सरकारें उस पर बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब उस पर निर्माण पर खर्च हो रहा था, आज भी होता है, तब और ज़्यादा ज़रूरत था। और उस समय सरकारी तंत्र चूँकि सब कुछ बनना था, हर सरकारी गवर्नमेंट कार्यालय से लेकर के मतलब हर वो चीज़ उनको डेवलप करनी थी, तो उसमें जो सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे आज की तरह ही, या सही कहिए आज से ज़्यादा उनका महत्वपूर्ण रोल हुआ करता था, चूँकि सब कुछ बनना था। आज की डेट में उतनी चीज़ें नहीं बननी होती, हम नए कंस्ट्रक्शन होते हैं, लेकिन वहाँ पर आधारभूत संरचना देनी थी। तो उस समय क्या हुआ कि जो सरकारी कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार में बड़े पैमाने पर लिप्त होना शुरू हो गए, बड़े पैमाने पे बड़े बड़े बजट आते थे हर चीज़ के निर्माण के लिए, तो उसमें वो बहुत पैसे खाने लगे। गरीबी भी उस समय बड़े पैमाने पर थी, तो उसके लिए तमाम सारी जो योजनाएं आती थी, तो वो सब भी चीज़ें भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाया करती थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए 60 के दशक शुरुआती दौर में भारत में प्रशासनिक ढांचे में जो जड़ जमा चुका था 10 सालों में एक तरह से कहिए भ्रष्टाचार, उसको रोकने के उद्देश्य से, ठीक है, उसको रोकने के उद्देश्य से लोकपाल की जरूरत भारत में महसूस की गई। समझ गए होंगे आप लोग 60 के दशक में। फिर भारत में ओम्बुड्समैन के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया गया था, बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वप्रथम 1963 में लोकसभा सदस्य श्री लक्ष्मीमल सिंधवी साहब ने सबसे पहले लोकपाल शब्द का यूज किया। तो एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि ये लोकपाल शब्द का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले शख्स का नाम बताइए, तो श्री लक्ष्मीमल सिंधवी साहब हैं, ये लोकसभा के सदस्य रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले ओम्बुड्समैन को भारत में लोकपाल शब्द के नाम से एक तरह से कहिए कॉल किया, बुलाया इनको, और इनका दिया हुआ ही नाम है। ठीक है,
और 60 के दशक की ये बात है। चलिए आगे कुछ जानते हैं। भारत में पहला लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक कब आया? क्या भारत में इसके पहले, मैंने भी बताया कि जो लोकपाल अधिनियम है 2013, फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं 16 में लागू होता है फाइनली, मतलब संशोधित होकर के 16 में फिर से पीएम मोदी जी इसको संशोधित करते हैं और पूर्ण रूप से तब लागू करते हैं। अब इन पे भी चर्चाएं करेंगे। तो क्या इसके पहले कोई व्यवस्था थी? तो हाँ बिल्कुल थी, इसके पहले प्रयास किए गए हैं भारत में, 1968 से ही प्रयास किए गए हैं कि ये जो है भारत में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक को 68 में लोकसभा में सबसे पहले लाया गया था। कब लाया गया था? भारत में पहला लोकपाल या लोकायुक्त विधेयक 1968 ईस्वी में लोकसभा में पेश किया गया था बच्चों। इसके बाद 1968 के बाद कई बार क्रमबद्ध तरीकों से किया गया, मैं बता रहा हूँ कितनी बार किया गया, क्रमबद्ध तरीकों से किया गया, लेकिन ये असफल प्रयास रहे, फाइनली इसको लागू नहीं कराया जा सका। 1971 में, 68 के बाद 1971 में, फिर 1977 में, फिर 1985 में, फिर 1996 में, फिर 1998 में, फिर 2001 में, फिर उसके बाद में 2005 में, 2008 में और 2011 में इस विधेयक को पास कराने का असफल प्रयास किया गया। आप सोच सकते हैं, इस विधेयक को लगभग करीब में आप देखेंगे तो 10 बार इसको विधेयक को लाया गया संसद के पटल पे, और ये चीज़ें आपकी नहीं पूरी हो पाती हैं, ठीक है। 10 बार लगभग करीब में पारित होने से पहले 2011 तक में 10 बार टोटल लाया गया ये। अब आप देख लीजिए, 68 में लाया गया था, 71 था, 77 था, 85 था, 96 था, 98 है, 2001 है, 2005 है, 2011 है, 2008 है और 2011 है। इतनी बार तो ये विधेयक आया संसद में, लेकिन संयोग से पारित नहीं हो पाया। इसका मतलब समझ रहे कि संसद के सदस्य लोग, गणमान्य लोग भी क्या कर रहे थे, वो शायद नहीं चाह रहे थे, या जो सरकारें उस समय थी बहुमत की गवर्नमेंट जो रही, वो उन लोगों ने इच्छा शक्ति का प्रयोग ने अपना नहीं परिचय देना चाहा। अब शायद जो भी कारक रहे हों, आप समझ सकते हैं उस चीज़ को, कि मतलब ये नहीं पारित हो पाया, ठीक है। इसके बाद फाइनली होता क्या है, एक लंबे प्रयास के बाद में, लंबे संघर्ष के बाद में, अन्ना हजारे जी का मैंने अभी जिक्र आपसे किया था, बड़ा संघर्ष किया अन्ना जी, है ना, बड़े संघर्ष करने के बाद में, और एक तरह से कहिए विचार और प्रशासनिक ढांचे में, एक तरह से कहिए शासन द्वारा लंबे विचार विमर्श के उपरांत इसका निर्णय लिया गया, एक जन आंदोलन का रूप जब तक ये अख्तियार नहीं कर लिया, तब जाकर के इसका एक निर्णय आता है और लोकसभा में या हमारे कहिए संसद में इस विधेयक को लाया जाता है। लोकपाल लोकायुक्त विधेयक संसद में हमारे लाया जाता है, और ये 17 और 18 दिसंबर को 2013 में, 17-18 दिसंबर 2013 में कंटिन्यूसली लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है। तो 17 दिसंबर को पहले राज्यसभा से पास होता है, फिर 18 दिसंबर को आपका लोकसभा से पारित होता है यह विधेयक, और इस तरह से पारित होने के बाद में 1 जनवरी 2014 को फाइनली राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति मिल जाती है, और स्वीकृति मिलने के बाद में यह एक जो है लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 हमारे सामने एक कानून बन करके आ जाता है। और चूंकि पारित 14 में होता है, तो इस अधिनियम को आप 14 भी कह सकते हैं, चूंकि देखिए संसद पटल में आया 13 में, पारित हुआ 14 में, ऐसे बहुत सारे अधिनियम मिलेंगे बेटा। पंचायती राज भी हम लोग पढ़ रहे थे तो 92, लागू हुआ 93 में, आप देख रहे हैं ना, आया विधेयक कब, 92 में, लागू हुआ 93 में, उसी तरह से ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये आपका विधेयक आया कब था, 93 में आया था, और फाइनली लागू मतलब जो है संसद से पारित कब हुआ था, 17 दिसंबर को 2013 को मैंने बताया राज्यसभा से पारित हुआ था, और 18 अगले दिन लोकसभा से पारित हो जाता है 18 दिसंबर 2013 को, और फाइनली 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति मिलती है। उस समय राष्ट्रपति आपके प्रणब मुखर्जी साहब रहते हैं, और प्रणब दा उसकी स्वीकृति देते हैं, और फिर फाइनली भारत में लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान एकदम स्थायी हो जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा दिलचस्प था, ये तिथि भी पूछ सकता है आपको, और हस्तक्षेप के उपरांत प्रवर्तित हो गया यानी लागू हो गया, ठीक है। ये जो अधिनियम हमारा है, ठीक है, कौन सा अधिनियम, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013, यह अधिनियम भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी समिति बनाने की अनुमति देता है, यानी कि इस कानून के तहत, इस कानून में क्या प्रावधान है, बड़ी अच्छी चीज़ है कि मतलब ये तो कानून बन गया, तो कानून में ऐसा क्या खास है जिसके लिए अन्ना हजारे आमरण जैसे लोग जन आंदोलन के रूप में इसमें कूद पड़े, केजरीवाल, किरण बेदी, ये बड़े महत्वपूर्ण जो चेहरे हैं, और ये सब आंदोलन में क्यों कूद पड़े, और यहाँ तक कि केजरीवाल ने तो अपनी गवर्नमेंट सर्विस को छोड़ के हुए वो आ गए थे इसमें, वहीं तो आप किरण बेदी मैडम को देखिए, तो वो भी अपनी मतलब बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेती हैं,
ठीक है, तो आखिर में ऐसा क्या है इस समिति में, खासियत क्या है, कैसे ये इतना इतना इतनी इसके लिए इतना आंदोलन करने की क्या ज़रूरत पड़ी, तो इसकी महत्ता को आप समझिए कि इसके इसमें कौन कौन से मेंबर इसमें जुड़ते हैं और कैसे ये है कि बहुत सशक्त निकाय के रूप में बन के आया है। तो देखिए सशक्त निकाय कैसे है, आप इसको जानने की कोशिश करिए। यह अधिनियम भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी समिति बनाने की अनुमति देता है। समिति में एक अध्यक्ष एवं 8 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, यानी कि अध्यक्ष को लेकर के कुल 9 सदस्य एक समिति बनेगी, उस समिति में 8 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, तो कुल 9 सदस्य होंगे। और जान लीजिएगा कि यहाँ का जो अध्यक्ष होगा या आधे सदस्य इसके 50% सदस्य न्यायपालिका से जुड़े हुए होंगे, जिनको कानून की बेहतर जानकारी हो। अब ये चूंकि लोकपाल की बात है तो सेंट्रल यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश लोग होंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं, सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका जो जो इनके मतलब जो मेन अध्यक्ष होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के या तो वर्तमान न्यायाधीश होंगे, CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे इसके अध्यक्ष। लोकपाल के अध्यक्ष को समझ लीजिए कौन बनेगा इसके, तो ये यही बनेंगे, ठीक है। इस समिति के बारे में पहले देखते हैं इसका मतलब जिसकी पृष्ठभूमि में देखते हैं कौन कौन इसमें पहले शामिल होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसके साथ में 8 सदस्य, अच्छा ठीक है, यही देख लेते हैं हम लोग। अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं कि अध्यक्ष और उसके बाद सदस्यों की संख्या के बारे में क्या है। तो उसके अध्यक्ष उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जो भारत का CJI हो, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, ठीक है। अब देखिए दो चीज़ें हैं, या तो बताया गया है आप CJI हो, पूर्व CJI, हालांकि देखिए इसमें एक चीज़ और भी है, ये तो विधान है ही कि मतलब चीफ जस्टिस करेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस मोस्टली ना होकर के रिटायर्ड पूर्व चीफ जस्टिस होंगे, या उनकी मतलब वो नहीं अगर मिलते हैं इसमें इंटरेस्टेड या नहीं उनको सरकार लेना चाहती तो फिर वो और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको कोई ले सकते हैं। मीन्स आप समझिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं वो, या अन्य कोई न्यायाधीश इसमें आपके इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है, समिति के। और इसमें जो सदस्य होंगे शेष 8 सदस्य होंगे, 8 सदस्यों में से लगभग आधे सदस्य बच्चों, मतलब इनको अगर चीफ को भी ले लेंगे तो 9 सदस्य हो जाएंगे, आधे सदस्य कम से कम आपके विधि के विशेष जानकार विधि से जुड़े हुए होने चाहिए। दूसरा विधान क्या है कि इसमें से फिर दूसरा एक लॉज कहता है इसी का कि आधे सदस्य जो हैं इनमें से मतलब आधे सदस्य कम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और महिला, 5 आधार हैं, SC ST OBC महिला और अल्पसंख्यक, ये 5 लोग हैं, इनके 50% मेंबर होने चाहिए इन इसमें। तो आप समझ रहे होंगे ये 5 सदस्य होने चाहिए, 5 तरह के लोग होने चाहिए 50% मेंबर में, मतलब इसमें 50% मेंबर में नहीं, मतलब टोटल मेंबर में से ये मानक पूरे होने चाहिए। कौन से मानक होने चाहिए? SC ST OBC अल्पसंख्यक और महिला, ये 9 सदस्यों में से 50% सदस्य इस कमेटी से बिलोंग करने वाले होने चाहिए, समझ गए होंगे आप लोग। और टोटल 9 सदस्यों में से 50% मेंबर विधि के होने चाहिए, है ना, तो ये बात थोड़ी ध्यान में रखिएगा, दो कंडीशन इसके साथ वर्क कर रही है। तो ये होता है इनकी मतलब जो है सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं वो इसमें आपकी अध्यक्षता करेंगे। आगे देखते हैं इसके बारे में और भी कुछ चीज़ें जानते हैं, यही चीज़ मैंने बताई। और लोकपाल के अध्यक्ष का जो चयन होगा, इन सदस्यों का जो चयन होगा वो बड़ा दिलचस्प है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें कौन कौन रहते हैं। तो इसमें ये हैं, लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा, ठीक है, चयन समिति। और चयन समिति जो होगी बच्चों वो किसकी बनी होगी, एक होंगे क्या प्रधानमंत्री होंगे अपने, PM महोदय होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, CJI होंगे, या CJI के द्वारा नियुक्त किए गए कोई अन्य न्यायाधीश होगा, और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा नामित एक कोई व्यक्ति जो विधि का अच्छा जानकार हो। ये लोग मिल करके इन 9 मेंबर्स का चुनाव करेंगे। कौन कौन लोग, फिर से इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यही बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके मेंबर में कौन कौन लोग शामिल रहते हैं। तो पहले PM महोदय हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष महोदय हो गए, लोकसभा में विपक्ष के नेता हो गए, CJI हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो हो गए, और चीफ जस्टिस इंडिया अगर नहीं है तो उनकी मतलब उनके द्वारा नियुक्त नॉमिनेटेड जो व्यक्ति होगा यानी कि कोई और न्यायाधीश जो होगा वो होंगे।
ठीक है, और एक व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया नामांकित किया जाएगा जो विधि का बेहतर जानकार होगा। लेकिन ये जो व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा ये इन चार लोगों की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे, जिनको नॉमिनेट करेंगे। तो ये बात है, यही पढ़ दे रहा हूँ मैं, आप ध्यान सुनिए। लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा। यह समिति प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, CJI या CJI द्वारा नामित, सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति द्वारा नामांकित ऐसा विधिवेत्ता जिसके नाम की सिफारिश समिति के पहले चार सदस्यों द्वारा किया गया हो, ठीक है, मतलब यानी राष्ट्रपति जो नामित करेंगे उस पर सहमति प्रधानमंत्री महोदय की होनी चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष की भी होनी चाहिए, और विपक्ष के नेता की भी होनी चाहिए, और जो CJI हैं उनकी होनी चाहिए, या उनके द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश जो हैं, यानी चार मेंबर्स की जो सहमति वाले मेंबर ही पाँचवा होगा जो राष्ट्रपति द्वारा नामित होगा। अब ये पाँच लोग मिलकर के बच्चों क्या करेंगे, आपका लोकपाल की नियुक्ति करेंगे और लोकपाल के अन्य आठ और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। चलिए आगे क्रम में हम लोग देखते हैं कि क्या है और आगे बातें। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में क्या आते हैं, लोक सेवकों की सभी श्रेणियाँ आती हैं, यानी कि मतलब कोई ऐसी श्रेणी नहीं लोक सेवकों की है जो लोकपाल के दायरे में ना आए। इवन हर आदमी, यानी कि आप CBI तक की संस्था को आप देख लेंगे तो वो भी लोकपाल के दायरे में आपको आती हुई दिखाई देगी। कोई भी ऐसा पद नहीं है जो इस दायरे में, लोकपाल के दायरे में ना आए, ठीक है, तो सभी श्रेणियां इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इस दायरे के अंदर वे भी संस्थाएं आएंगी या होंगी जो विदेशी स्रोतों से 10 लाख से ज़्यादा दान लेंगी, यानी कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा ट्रस्ट जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा का धन विदेशों से अर्जित करता है, और संपूर्ण सरकारी कर्मचारी इसके दायरे के अंतर्गत आएंगे। इसके पहले मैंने जिक्र किया कि सभी मंत्री वो भी इसके दायरे में आएंगे और सभी लोक सेवक इसके दायरे में आ गए, तो फिर बचा ही कौन, कोई बचा ही नहीं आपके, सारे पद इसके अंतर्गत आ गए हैं। और जो कहा जाता था बड़े बड़े अधिकारी जांच के दायरे में नहीं आते, तो सारे अधिकारी इसके दायरे के अंतर्गत आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें थोड़ा जानते हैं हम लोग इसके बारे में। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में देखिए इसमें क्या किया गया, कि मैंने बताया अभी आपको ये विधेयक कब आया था, तो यहाँ बात आप लोगों ने की है कि 18 दिसंबर को लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा में पारित होने के बाद में 1 जनवरी 2014 को फाइनली लोकपाल लोकायुक्त विधेयक पारित हो गया था, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन रूप में विशेष रूप से आ नहीं पाया, मतलब था फंक्शन वर्क किया इसने, लेकिन इसको और अपग्रेड किया गया, संशोधित किया गया और इसके दायरे को और बढ़ाया गया, यानी कि जिस विजन के साथ ये डेवलप किया गया था उस विजन में और अधिकार दिए गए। अब अधिकारों में क्या दिया, वृद्धि की गई होगी, मैं थोड़ा बता दूं फिर आपको मैं रीड कर देता हूं उसको। तो उसमें किया ये गया कि जो लोक सेवक होंगे उनके पति पत्नी, मतलब कोई है तो उनके, मतलब एक तो परिवार के मेम्बर्स है ना, यानी उन पर आश्रित जो लोग हैं, यानी उनके बच्चे हैं और कोई व्यक्ति है तो उसकी पत्नी है, कोई मेल है फीमेल है तो उनके पति हैं, ये सभी लोग उसके जांच के दायरे के अंतर्गत आएंगे। और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका जो भी इसके दायरे के अंतर्गत उनकी अर्निंग टर्नओवर जो है वो एक्स्ट्रा है, यानी कि कहिए कुल मिला के 2016 में पीएम मोदी ने इसको और थोड़ा सशक्त और मजबूत बनाया, इसके दायरे में को और बढ़ाया कि जिससे कि कुछ लोग वंचित ना रह जाए, छूटे ना, ठीक है। तो वो चीज़ है, यही किया गया था 2016 में। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में लोकपाल लोकायुक्त विधेयक संशोधन विधेयक 2016, ध्यान समझिएगा, लोकायुक्त लोकपाल संशोधन विधेयक 2016 को 16 के द्वारा संशोधित और स्वीकृति दी प्रदान की गई। यह संशोधन, ठीक है, यह संशोधन लोक सेवकों, ट्रस्ट चलाने वालों, सरकार से, देख कौन कौन आ रहा है, यही थोड़ा महत्वपूर्ण बच्चों कि इसमें नया क्या है। लोक सेवक तो पहले ही थे, ट्रस्ट चलाने वाले भी 10 लाख तक की अर्निंग वाली मैंने बात करी ऊपर ही, अभी आपको 10 लाख वो लोग भी थे, ठीक है। इसके अलावा सरकार से एक करोड़ रुपए अथवा विदेशों से 10 लाख रुपए तक का फंड प्राप्त करने वाले स्वयंसेवी संस्थानों के बोर्ड सदस्यों को, उनकी तथा उनके पति पत्नी एवं आश्रितों
की संपत्तियों का विवरण देने की समय सीमा विस्तार प्रदान करने हेतु किया गया है। क्या समझ में आया आपको? वही बात जो मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि इसके दायरे में क्या बढ़ा दिया गया कि जो कोई संस्था भारत सरकार से एक करोड़ रुपए अनुदान मतलब प्राप्त कर चुकी है, ली चुकी है, और कोई भार और या कोई ऐसी संस्था जो विदेशों से 10 लाख रुपए तक का फंड अपने पास ले आई है, तो वह भी इस दायरे जाँच के दायरे में आएगी। और इस जाँच के दायरे को बढ़ाते हुए कि जो लोग सेवक हैं उसके पति पत्नी में से ऑब्लिक मैंने करके बताया वहाँ पे कि मतलब कोई हो, कोई एक है अगर पति है तो पत्नी का भी, और पति पत्नी अगर अधिकारी है तो पति भी उस जाँच के दायरे में आएगा। और उस पर आश्रित लोग यानी माँ बाप भी आपके आश्रित हो सकते हैं उस व्यक्ति के, और उसके बच्चे भी आश्रित में तो आते ही हैं। तो ये सब की संपत्तियों का विवरण उसके जांच के दायरे में आएगा कि इस बच्चे के पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई, आपके पिता के पास इतनी संपत्ति, माँ के पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई, आपकी पत्नी के पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये इसका विस्तारीकरण किया गया 2016 में, ठीक है। इसके बाद क्या गया, इस अधिनियम की धारा 44 में क्या कहा गया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, संशोधन किया गया जो कि लोक सेवकों द्वारा संपत्ति की घोषणा एवं संपत्ति के विवरण को सार्वजनिक करने से संबंधित है। यानी कि इस अधिनियम, कौन से अधिनियम, ये जो अधिनियम आपका है लोकपाल लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2016 की धारा 44 के तहत एक सुधार संशोधन किया गया, लोक सेवकों के लिए क्या निर्देश जारी किए गए वो बात अभी मैंने की थी। उसमें क्या है, इसमें कुछ घोषणाएं हैं, घोषणाओं को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। प्रत्येक लोक सेवक को पदभार ग्रहण करने के 30 दिन के अंदर अपनी आय मतलब अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा। आप अधिकारी बनेंगे तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले महीने में जैसे आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको एक रिपोर्ट देनी होगी कि मेरे पास चल और अचल संपत्ति पुस्तैनी या पुरखों के द्वारा प्राप्त इतनी संपत्ति है मेरे पास। उसके हिसाब से आपकी प्रत्येक वर्ष जितनी सैलरी होगी उसी के हिसाब से आप इंक्रीमेंट करते जाएंगे, आप अपना विकास करते जाएंगे। समझ गए होंगे आप लोग। तो जब करप्शन नहीं रहेगा तो विकास होगा, तो विद्युत आपको 24 घंटे मिलेगी, सड़कें आपकी अच्छी रहेंगी, सारे संसाधन आपको बेहतर तरीके से मिलेंगे। चलिए, तो प्रत्येक लोक सेवक को पदभार ग्रहण करने के 30 दिन के अंदर अपनी संपत्तियों का विवरण घोषित करना होगा। इसमें संपूर्ण परिवार की संपत्ति का विवरण देना होगा, यानी कि आपके बच्चे के पास कितना, अपनी पत्नी के पास कितना, अपने माँ बाप के पास कितना, पूरा विवरण पहले ही ज्वाइनिंग करने के एक महीने के अंदर आपको 30 दिनों के अंदर दे देना होगा। क्लियर। आगे क्या है, प्रत्येक लोक सेवक को प्रतिवर्ष क्या बताया था, अभी मैंने जिक्र किया था, 31 जुलाई के पहले उस वर्ष मतलब जिस वर्ष का दे रहा है, 31 जुलाई जिस वर्ष की है उससे पहले उस वर्ष 31 मार्च तक की उसकी संपत्ति का विवरण घोषित करना होगा। यानी कि जैसे 2021 चल रहा है ये, तो 2021 अभी जुलाई तो कंप्लीट हो गया, अगर आप अधिकारी होते तो 31 जुलाई तक आपको पूरी रिकॉर्ड देना होता कि 31 मार्च तक मेरे पास कितनी संपत्ति है, इसका विवरण आपको देना होगा, 31 जुलाई तक देना था, ठीक है। तो ये बात इसमें बताई गई है और प्रत्येक लोक सेवक इसका डिटेल देते हैं। तो ये तो बात हो गई भाई, एक तरह से आपको समझ में आएगा करप्शन मुक्त भारत के बारे में हो गई। इसमें भारत के जो आपके जो मुख्य लोकायुक्त हैं वो पिनाकी चंद घोष साहब हैं वर्तमान समय में, ठीक है। और अब थोड़ा लोकायुक्त के बारे में बात कर लें तो देख लीजिए, बड़ा सिंपल है, जो लोकपाल का केंद्र में काम है वही लोकायुक्त का राज्य में काम है। अब वहाँ पर जब केंद्र में यही पद रहता है तो उसे लोकपाल कहते हैं, और जब राज्य में यही प्रक्रिया सीधे आती है तो लोकायुक्त कहलाती है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। अब इसमें क्या हुआ, भारत में किन राज्यों में पहले लोकपाल था, क्या शुरू से लागू हुआ या अभी से सब जगह लागू हुआ है, तो एक बात जान लीजिए, 1970 ईस्वी में सबसे पहला उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसने लोकपाल लोकायुक्त को पारित मतलब बनाने के लिए एक विधेयक ले आए थे। हालांकि ये क्रिया रूप नहीं हो पाया और ये फाइनली जो लोकायुक्त का पद जो उनके यहाँ आया वो 1883 में फिर ये ला पाए थे, ठीक है। 1983 में उनके यहाँ फाइनली लागू हो पाया था, लेकिन विधेयक पारित करने वाला सबसे पहला जो है राष्ट्र जो है आपका राज्य जो हमारा है उड़ीसा है, और फाइनली लागू करने वाला सबसे पहले महाराष्ट्र है,
ठीक है, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इस पर मैं चर्चा कर लूँ, अच्छा इसके बाद चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं कि ये कैसे इसके पदों को नियुक्त होता है। चलिए बता देते हैं, फिर बाद में इसमें बात करेंगे कि किस राज्य में कैसे कैसे पहले हुआ। इसमें देखिए जो लोकायुक्त, जो लोकायुक्त हैं इनके पद कैसे होते हैं। जैसे अभी इसमें आपने देखा कि कौन कमेटी गठित, एक समिति गठित होती है ना, जो कि लोकायुक्त की, लोकपाल की नियुक्ति करता था, लोकपाल, बात समझ रहे हैं ना। तो उसमें कमेटी में कौन कौन थे, देखिए उस कमेटी में आपके प्रधानमंत्री थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है, विपक्षी नेता थे, सीजेआई थे या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति था, ये और पांचवें नंबर के व्यक्ति जो थे वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नामित कोई व्यक्ति था, पांच ही शख्स थे वहाँ पे। तो ये लोग लोकपाल और उनके 8 मेंबरों का चुनाव करते थे। चुनाव करने की जो प्रक्रिया थी उसमें क्या थी, उसमें यही था ना कि मतलब जो है आधी जनसंख्या जो टोटल है उसकी आधी जनसंख्या विधि विशेषज्ञ होनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन ये थी कि उसमें से SC ST OBC अल्पसंख्यक और महिला वर्ग के 50% मेंबर होने चाहिए। क्लियर। तो यही प्रक्रिया सेम राज्यों में आती है। अब यहाँ पर राज्य में जब आती है तो इसकी कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे, तो देखिए इसकी कमेटी में इसका जो राज्य का प्रमुख होगा वो कौन हो जाएगा, यहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय हो जाएंगे। लोकसभा में विपक्ष का नेता हो जाएगा, चीफ जस्टिस हो जाएंगे हाई कोर्ट के, चीफ जस्टिस हो जाएंगे हाई कोर्ट के, और फिर उसके बाद में उनके द्वारा एक नामित व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की प्रक्रिया के तहत ये अपना इसमें करते हैं, और इनके द्वारा जो फिर जो लोकायुक्त नियुक्त होता है वह भी एक लोकायुक्त होगा और उसके 8 मेंबर, जैसे जो संख्या यहाँ पर 8-1-9 होती है लोकायुक्त को ले, लोकपाल को लेकर के, उसी तरह से राज्यों में एक लोकायुक्त और 8 मेंबर और होंगे। 8 मेंबर्स के लिए और लोकायुक्त की जो कंडीशन यहाँ पर थी लोकपाल में, उसमें कंडीशन में ये था कि 50% मेंबर विधि से विशेष के जानकार होंगे, तो राज्यों में भी यही कानून लागू होगा। आधे मेंबर कहाँ से होंगे, राज्य मतलब विधि विशेषक होंगे, और बाकी जो आधे मेंबर होंगे, जो कंडीशन दूसरी कंडीशन इसमें थी कि SC ST OBC अल्पसंख्यक वर्ग और महिला वर्ग से 50% मेंबर होंगे, वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो हो रही है। फर्क कितना है, जो यहाँ पे समिति बनी है यहाँ राज्य स्तरीय समिति है और यहाँ पर केंद्र स्तरीय समिति है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए राज्य थे, विधानसभा के जो आपके एक तरह से कहिए अध्यक्ष थे, विपक्ष के नेता थे, है ना, और उसके बाद आपके जो राज्यपाल, सॉरी यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा, देखिए जो राज्य के, तो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति होंगे, और जो मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के होंगे वो होंगे या उनके द्वारा नामित व्यक्ति होगा। 5 मेंबर यहाँ पे भी देख कमेटी में, और यहाँ पर भी वही मेंबरों की संख्या है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। तो सेम प्रक्रिया वही रहती है। अब इनका काम क्या कहता है कि राज्यों में करप्शन मुक्त राज्य बनाना, ठीक है, ये चीज़ें। अब देखते हैं कैसे कैसे स्थापना हुई। कुछ ऐसे भी राज्य रहे हैं जहाँ पर ये कानून बनने से पहले 2013 से पहले ही मतलब वहाँ पे लोकायुक्त का पद सृजित कर दिया गया था, ठीक है, और 2013 के अधिनियम से पहले ही लागू कर दिया गया था। उड़ीसा, मैंने बताया भी आपको, उड़ीसा पहला राज्य है जिसने 1970 में लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान बनाने वाला पहला राज्य था। तो क्वेश्चन देखिए इसमें बहुत बारीकी है, थोड़ा ध्यान रखिए कि सबसे पहला राज्य कौन सा है जिसने लोकायुक्त, लोकायुक्त को लेकर के अपने यहाँ सबसे पहले विधान बनाया, कानून बनाया, तो कानून बनाने वाला सबसे पहला उड़ीसा हो जाएगा। ये अलग बात है कि उसको फिर उस संस्था को क्रियान्वित नहीं कर पाया, ठीक है। अभी सूचना का अधिकार अधिनियम आप लोग देखेंगे तो 2002 में ही आ गया था, लेकिन फाइनली वो लागू नहीं होता है तो 2005 में लागू होता है। अभी हम अगला टॉपिक हम लोग वही सूचना का अधिकार ही पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुछ कानून बनते हैं तुरंत उसको सरकार क्रिया में नहीं ला पाती है या नहीं लाती किन्हीं कारणों से। तो यहाँ पर भी हुआ कि उड़ीसा में लोकायुक्त की जो स्थापना की गई वो कब की गई थी बच्चों, 1970 में की गई राज्य मतलब जो है, लेकिन 1983 तक यहाँ पर ये जो लोकायुक्त का पद है यहाँ पर अस्तित्व में नहीं आ पाया था, मतलब ये क्रिया रूप में नहीं आ पाया। इसके पहले, उसके बाद क्या है, सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना करने वाला, ठीक है, सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना करने वाला 1971 में महाराष्ट्र पहला राज्य है, ठीक है, कब किया है ध्यान रखिएगा। वहाँ पर 70 में यहाँ कानून बन जाता है कहाँ, उड़ीसा में, लेकिन 1971 में महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य होता है जिसने क्या किया था, लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना अपने यहाँ की थी। क्लियर। उसके बाद, इसके बाद आपका आता है बिहार, बिहार में 1973 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश में 1975 ईस्वी में, और मध्य प्रदेश में 1981 ईस्वी में,
लोकायुक्त का गठन किया गया। तो तिथियां थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिहार में 1973 में, उत्तर प्रदेश में 1975 में और मध्य प्रदेश में 1981 में लोकायुक्त का गठन किया गया, ठीक है। और वर्तमान समय में अगर हम 2013 तक देखेंगे तो लगभग करीब में 21 राज्य ऐसे हैं जहां पर लोकायुक्तों की नियुक्ति की जा चुकी है। तो ये तो आपका था लोकपाल और लोकायुक्त। उम्मीद है कि आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे और आपको थोड़ा मज़ा भी आया होगा। तो इसको इंटरेस्टिंग तरीके से देखिए, और आज इस लेक्चर के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी इतनी सक्षमता आ गई होगी कि लोकपाल लोकायुक्त पर अगर टिप्पणी आती है आपको तो आप लोग लिख सकते हैं। और एग्ज़ाम में कुछ बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि कमेटी कौन गठित, समितियां कौन बनी, लोकपाल के लिए समिति के मेंबर कौन कौन, ऐसे क्वेश्चन देखिए आएंगे। सारे टॉपिक्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, कि कमेटी के मेंबर कौन कौन होते हैं, मतलब कमेटी जो समिति गठित होती है, समिति में लोकपाल और उसके 8 सदस्यों की नियुक्ति करने वाले जो कमेटी है उसमें कौन कौन लोग नियुक्त होते हैं, तो उसमें से जब आपके 5 जो मेंबर हैं उन 5 के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और जो 8 सदस्य प्लस एक वहाँ लोकपाल जो होता है उसमें उनकी नियुक्ति किस हिसाब से होती है, तो आपने देखा आधे सदस्य विधि वाले होने चाहिए और आधे सदस्यों उन्हीं आधे सदस्यों में से क्या होना चाहिए, मतलब टोटल 9 सदस्यों में से आधे क्या होने चाहिए, जिसमें से आप SC ST OBC महिला वर्ग है ना, अल्पसंख्यक, इनसे होने चाहिए। तो ये बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, आपको स्टेट के भी बनेंगे और इसके भी क्वेश्चन बनेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज इन्जॉय किया होगा, आप लोगों ने इस वीडियो को सुना, धन्यवाद आपको।